पॉइंट दो, एक दो पॉइंट वन तो खत्म हो चुका है, उसको खलास कर दिया, दो पॉइंट दो पढ़ना है। तो साइज 2.2, चलिए काम का बढ़ा जाता है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट में यह दिया, फर्स्ट क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन इसको क्या करना है, फैक्टर करना है। फैक्टर के मतलब क्या होता है, गुणनखंडन करना है, ठीक है ना। यानी ये जो होता है मिडिल टर्म, ये बीच वाला टर्म, इसको तोड़ते हैं, ठीक है ना। इसको इस तरह तोड़ा जाता है कि इसको जोड़ने या घटाने के बाद इतना आ जाना चाहिए, ठीक है ना, और गुणा करने के बाद माइनस 8 आना चाहिए। समझना क्या मतलब, इसको तोड़ेंगे कि इसको जोड़े चाहे घटाए माइनस 2x ही आना चाहिए, ठीक है, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड में इसमें ये होता है कि ये दोनों को गुणा करने पर माइनस 8 भी आना चाहिए, ठीक है। यानी जो संख्या लास्ट में है उसको आना जरूरी है। देखो यहाँ पे इसको तोड़ रहे हैं, टूटेगा किस तरह, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। देखो यहाँ पर ये माइनस 4 में से प्लस 2 जाएगा तो माइनस 2 नहीं बच जाएगा, बचेगा ना भाई। इसका दो अलग फैक्टर, इसका फैक्टर है यही अलग, ठीक है। तो इसका फैक्टर क्या है, माइनस 4x प्लस 4x प्लस 2x, ठीक है। यानी माइनस 4x में से अगर प्लस 2x घट रहा है तो माइनस 2x बच जाएगा, ठीक है, माइनस 2x बचता है, ठीक। तो इतना आ गया, मिल गया ना। अब ये देखो, 4 दूनी 8 प्लस माइनस 8 आ गया, कोई दिक्कत समझने में, फैक्टर हो गया। अब यहाँ पर एक कॉमन होता है, अब देखो यहाँ पर कितना टर्म है, 4 को टर्म है ना। तो इसको दो दो को कॉमन करना है, दो को इधर कॉमन करना है, दो को इधर कॉमन करना है, ठीक है ना। अभी कॉमन किस तरह होगा, देखो यहाँ पर इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, ठीक है। कहना जाए कि अगर इंसानों में कॉमन करते हैं, इंसान में कॉमन क्या होता है, कान आँख नकिन सब किसी में होता है कॉमन, मतलब होता है एक हर किसी में हो। तो इसमें कॉमन क्या है, एक्स इसमें है, एक्स स्क्वायर ये है, यहाँ 4x है ना। तो इसमें हम लोग एक्स कॉमन कर सकते हैं, बताएगा यहाँ पर करो, यहाँ पर एक्स कॉमन करो तो क्या बच जाएगा, ये दो गो एक्स है तो यहाँ एक्स माइनस 4 क्योंकि सिर्फ आप एक्स कॉमन किया, ठीक है। अब प्लस ये दोनों काम हो गया, इसमें ये दोनों, इसमें क्या कॉमन करना है, देखो यहाँ पर 2x है माइनस 8 है यहाँ पर, तो एक्स कॉमन करेंगे तो एक्स टाइम है नहीं, कॉमन वही चीज़ होता है जो दोनों में होता है, तो इसमें दोनों में थोड़ा ना है। अगर यहाँ पर प्लस 2 हम कॉमन कर दे रहे हैं तो कितना बचेगा, यहाँ पर एक्स बचेगा, खाली बचेगा ना माइनस 2 × 4 4 बचेगा यहाँ पे, 4 ना बचेगा यहाँ पे, 2 से भाग लेगा 4 नहीं आएगा, ठीक। और यहाँ पे इसमें दो को टर्म लिखा था, एक ये वाला टर्म और एक ये वाला टर्म, फिर एक यहाँ पे लिखेंगे एक्स माइनस 4 ये वाला फर्स्ट, सेकेंड यहाँ पे एक्स प्लस 2, ठीक है। देखो यहाँ पर अब यहाँ इसको क्या करना है, हमको एक्स का मान निकालना है। तो यार एक्स माइनस में तो बराबर के उधर जाएगा तो खत्म हो जाएगा, प्लस में तो एक्स बराबर 4 हो गया, एंड यहाँ पे ओवर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एक्स बराबर माइनस 2 होगा, इधर प्लस में तो बराबर के उधर जाएगा तो माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ हमको मान लेना है लेट, माना कि क्योंकि मैथ सिर्फ माना जाता है, ठीक है ना। लेट मान लिया यहाँ पे अल्फा बराबर, इसको 4 को मान लो, ठीक है, एंड यहाँ पर बीटा बराबर माइनस 2 हो गया। नाउ नाउ अब, ठीक बा, तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा हो गई, ठीक बा। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ का अल्फा कितना बार रखवा है, खुद बता 4 बार, आप प्लस बीटा, ठीक, आप प्लस माइनस, माइनस नहीं होता है, माइनस चलिए तो प्लस आ माइनस 2 हो गए का, तो कितना आया घट के, तो देखें आप हो जाएगा 4 हो जाएगा यहाँ पे, आप प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आ जाएगा यहाँ पर, कितना आएगा 2 आ जाएगा, ठीक। अब 2 आएगा तो दिक्कत यहाँ पे है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए फार्मूला में है, तो यहाँ 2 प्लस में है आप फार्मूला माइनस है, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे 2/1, कोई दिक्कत। नेक्स्ट आओ यहाँ पर, अब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है,
अल्फा का वैल्यू कितना है खोजो इसमें, चार गुने माइनस टू हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा माइनस आठ हो गया। तो अल्फा इंटू बीटा का होता है सी बाई ए, तो माइनस एट बाई वन दे आर फोर, इसलिए आप लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। वेरीफाई कर लो। सेकेंड नंबर प्रश्न, दो नंबर आप लिखा फोर एस स्क्वायर, छोटका एस लिखना ठीक है, समझ में आएगा ना, तो बड़का एस लिखना तो लग जाएगा अट्ठासी हो जाएगा, अच्छा पैंतालीस हो जाएगा ठीक है ना, हाँ ठीक है, छोटका एस लिखना माइनस यहाँ पर हो जाएगा फोर एस ठीक है, आप प्लस वन यहाँ ध्यान दो, ये का हम लोग का प्रश्न हो गया ठीक है। इसको हम लोग क्या करें, फैक्टर करना है, तो बताइए कि फैक्टर किस तरह होता है, ये हो जाएगा फोर एस स्क्वायर, इसको फैक्टर करना है यानी इसको जोड़ने और घटाने के बाद माइनस फोर आना चाहिए, तो ये जाएगा माइनस टू एस और माइनस टू एस हो जाएगा ना माइनस फोर एस, कोई दिक्कत आप प्लस यहाँ पे वन, कोई तकलीफ है यहाँ पे, जहाँ कोई दिक्कत अगर बोलना है वहीं पर। ये हो गया क्वेश्चन, अब यहाँ इसको हमको फैक्टर करना है, जो बीच वाला मिडिल टर्म होता है ना उसी का फैक्टर होता है कभी भी ठीक, तो बीच वाला कौन सा फोर एस नहीं है, तो इसका इसको मतलब यहाँ पर ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने और घटाने के बाद माइनस फोर एस आ जाना चाहिए ठीक है। तो ये क्या किया प्लस ये किए हैं फोर एस स्क्वायर ऐसे में उतार दिए हैं, इसको तोड़े हैं तो माइनस टू एस और माइनस टू एस ना हो जाएगा फोर एस और प्लस यहाँ पर वन। अब यहाँ पर चार को टर्म हो गया, इसमें से कॉमन करेंगे क्या चीज़ कॉमन करेंगे, देखो यहाँ पर फोर एस है यहाँ पर टू एस है, तो यहाँ अगर हम चाहें तो यहाँ पर टू एस कॉमन कर सकते हैं क्योंकि दोनों भाग लग जाएगा ना, हाँ टू एस, तो टू एस यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, देखो बहुत से यहाँ पर तब बचेगा क्या हम लोग के फोर एस नहीं बचेगा, टू एस बच जाएगा बचेगा ना, आप माइनस कितना बचेगा यहाँ पे वन, कोई दिक्कत इधर आओ यहाँ पर। अब यहाँ पर देखना है कि हम लोग प्लस कॉमन करें कि माइनस कॉमन करें ठीक है ना, ये हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ पर माइनस वन कॉमन कर ले रहे हैं तो क्या बचेगा यहाँ पे प्लस टू एस बचेगा और माइनस क्या बचेगा, अरे माइनस वन बचेगा बाबा सब, क्योंकि वन में माइनस में प्लस में गुना होता था माइनस आता है, तो इसलिए जब माइनस कॉमन किया ना तो माइनस माइनस हो गया प्लस, अब फिर यहाँ पर हो गया माइनस और प्लस माइनस आ गया यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर दो को टर्म उठा लेते हैं, एक टर्म इसको ले लेंगे और एक और इसको जोड़ देंगे दोनों को ठीक, देखो यहाँ पर वो सब टू एस माइनस वन हो गया एक टर्म, एक टर्म यहाँ पे हो गया टू एस माइनस वन, एक ये वाला एक ये वाला दोनों आ गया। अब यहाँ पर हमको किसका मान निकाल देना है, एस का, तो एस बराबर का देखो हम मना करके बल्कि इसको शॉर्टकट में ये लिख दे रहे हैं ठीक है, यहाँ देखिए एस बराबर कितना जाएगा वन बाई टू ठीक है, यहाँ पर हो गया एंड या फिर इसका भी निकालना है, ये एस बराबर कितना आ रहा है, तो एस बराबर कितना जाएगा ये भी वन बाई टू हो जाएगा ठीक। अब यहाँ देखो नेक्स्ट यहाँ पर देखो आप लेट माना के यहाँ पे अल्फा बराबर एक बटा दो ठीक है ना, एंड यहाँ पर बीटा बराबर वन बाई टू, एक हो गया अजगर साफ हो गया, हाँ तो अल्फा प्लस बीटा होता है ना, तो अल्फा प्लस बीटा देखो वो सब अल्फा का वैल्यू वन बाई टू अब बीटा वन बाई टू कितना जा सकते हैं, कोई तकलीफ क्योंकि यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूला है ना इसलिए ठीक। सेकेंड यहाँ पर क्या होता है अल्फा इंटू बीटा होता है ना वो सब सी बाई ए होता है, तो वन बाई टू हो गया अल्फा का वैल्यू, अब बीटा का वैल्यू तो उतना ही है क्या, कितना आएगा यहाँ पे वन बाई फोर आ गया ठीक है, तो इसका क्या होता है वन बाई फोर सही है क्योंकि सी बाई ए होता है ना, तो सी बाई ए को क्लियर हो गया, इसलिए आप लिख सकते हैं देयर फोर ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए ठीक, एंड यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, हमको यही प्रूफ करना था, हो गया वेरीफाई करना था, वेरी
5 ओके कोई दिक्कत तीन नंबर ये थर्ड नंबर किस तरह बनेगा 6x² - 3 7x इसको सेटिंग करो सेटिंग क्या करना है इधर ला करने का मतलब इस तरह हो जाएगा 6x² - 7x - 3 हो गया इसका फैक्टर करना है देखो फैक्टर करने हैं 6x² - 9x + 2x - 3 घटेगा तो आ जाएगा 7x ठीक अब यहाँ से हम लोग क्या करना है कॉमन करना है यहाँ से कॉमन कर लो क्या चीज़ कॉमन करेंगे देखो यहाँ पर दिमाग लगाओ 6 यहाँ पर है यहाँ पर 9 है तो हम 3 कॉमन करेंगे तो दोनों भाग लग जाएगा कॉमन करो 3x कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा -3 समझ रहे ना अस्सी हो गया यहाँ पे यहाँ क्या चीज़ कॉमन करेंगे तो यहाँ पर हम लोग एक कॉमन कर सकते हैं प्लस 1 कॉमन करो तो क्या बच जाएगा यहाँ पर 2x - 3 दिक्कत चलो अब दो गो यहाँ पर संख्या ले लो एक इसको इसको बतवे किए हैं तो एक ही क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x - 3 यहाँ पर 3x + 1 ठीक है अब देखो यहाँ पर इसका निकालो x बराबर कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा ना इसका एंड यहाँ पे x बराबर 1/3 ये अभी हम मान लो लेते हैं आप माना कि अल्फा बराबर 3/2 हो गया एंड यहाँ पर बीटा बराबर 1/3 अल्फा प्लस बीटा ठीक है ना तो कितना जाएगा अल्फा का वैल्यू देखो यहाँ पर अल्फा का वैल्यू 3/2 अब बीटा का वैल्यू 1/3 -1/3 लघुत्तम कितना आएगा 6 हो जाएगा द्वितीय 6 × 3 = 2 जी यहाँ पर 7/6 6 लेकिन फॉर्मूला में कितना है -b/a हो जाएगा माइनस -7/6 देखो अल्फा इंटू बीटा उधर समझ जी यहाँ पर देखो कितना है यहाँ पर 3/2 गुने यहाँ पर -1/3 ये ना जाएगा कितना आएगा बोलते देखो यहाँ पर कितना आएगा देखो ना कट काट दो इसको -1/2 ठीक है ये हम देखो ये 6 भी ला सकता है तो कोई दिक्कत नहीं तो फिर 6 लाएगा फिर काटना पड़ेगा तब फिर सेम हो जाएगा तो यहाँ पर देखो इसलिए आप लिख देना अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a ये हो गया वेरीफाई करो4u² + 8u एंड यहाँ पर u + 2 या u - 2 ना हो जाएगा यहाँ पे अब यहाँ देखो u बराबर कितना हो जाएगा 0 का यहाँ पर एंड यहाँ पर u = -2 तो यहाँ ध्यान दो लेट माना कि यहाँ पे अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 0 एंड यहाँ पर बीटा बराबर -2 तो यहाँ क्या हो जाएगा नाउ अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a अल्फा प्लस बीटा 0 और यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा ना कितना आएगा -2 आएगा वन मान सकते हैं नीचे यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए तो कितना जाएगा 0 गुने -2 कितना आएगा ये 0 आएगा आएगा ना यहाँ पर 0/1 मान 2 मान उससे कोई दिक्कत नहीं होता देखो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर देयरफोर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a ठीक है ना एंड यहाँ पे लिख दे रहे हैं यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए ये हो गया वेरीफाई कर वेरीफाई